पंजाब के मशहूर गायक, अभिनेता और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला का उनके पैतृक गांव मूसा में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर में निकाली गई थी। ट्रैक्टर में उनके पार्थिव शरीर के साथ माता पिता भी मौजूद थे। अंतिम यात्रा के दौरान सिद्धू के पिता बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी पगड़ी तक उतार दी। अंतिम संस्कार से पहले सिद्धू मूसेवाला को लाल रंग की पगड़ी भी पहनाई गई। सिद्धू मूसेवाला के आखिरी सफर में हजारों चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मूसेवाला कांग्रेस नेता भी थे। पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद ये घटना हुई थी। सिद्धू मूसेवाला की 6 महीने बाद शादी होने वाली थी। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में सिद्धू की शादी तय थी। जिस लड़की से उनकी शादी होनी थी उनका भी रो रोकर बुरा हाल है। बीते रोज भी उनकी होने वाली पत्नी अपने परिवार के साथ सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंची थी। मंगलवार को मूसेवाला की अंतिम यात्रा से पहले उनके प्रशंसकों ने उनके घर के बाहर उनके पक्ष में नारेबाजी की। वहीं उनकी मौत पर भारत ही नहीं कनाडा में भी शोक मनाया जा रहा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। बिश्नोई मैकोका के तहत एक संगठित अपराध मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के गृह के सदस्य कनाडा में रहने वाले गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। मूसेवाला को दिन दिहाड़े कम से कम 30 बार गोली मारी गई थी।